हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से, और इतना मुझे प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को, हर वीडियो को इतना पसंद करते हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी हर एक वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज मैं एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ, और यह भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। और ये जो रिक्वेस्ट है मेरे पास बहुत पहले आ गई थी, बट मैं किसी ना किसी रीज़न से नहीं कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी। बट भैया इरफान, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, जो मोहम्मद इरफान भैया है, मैं आज उनकी रिक्वेस्ट पूरा कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत दिनों से पहले से कहा था कि मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे और आप ये करिए। और भी लोगों की बहुत अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट आई है जो मैं एक एक करूँगी। तो भैया मैं आज आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। बट आपने मुझे ये कहा था कि आपको साड़ी वियर करके भी दिखानी है, तो सॉरी इतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता है मेरे पास आपका छोटा जो भांजा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है। दुखी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं वियर करूँ, क्योंकि वो करने नहीं देगा। बहुत लिमिटेड टाइम रहता है, मैं उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के आपकी रिक्वेस्ट पूरा करने जा रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं किसी की रिक्वेस्ट करूँ चाहे ना करूँ, पहले भैया की कर देती हूँ। भैया ने मुझसे बहुत पहले से कहा था, तो और भी मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, नाराज मत होइएगा, मैं एक एक करके सभी की रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूँ। और ये देखिए, पूरी साड़ियों का मेला लेके बैठ गई हूँ मैं, जितनी भी मेरे पास अभी अवेलेबल है साड़ियाँ। और एक बात ये भी है कि मैं ज़्यादा साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने साड़ी कलेक्शन कुछ नहीं रखा है। बट जो भी लिमिटेड साड़ी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है मेरे पास येलो कलर की साड़ी, जो मुझे भी अच्छी लगती है और लाइट वेट की है और देखने में भी काफ़ी सुंदर है। ये देखिए, और ये मेरे पास मेरे पे खिलती भी है, सभी लोग बोलते हैं। और इसको मैं कैसे बताऊँ, मम्मी ने फोल्ड करके पता नहीं कैसे रख दिया है, जिसका पूरा लुक तो नहीं आ रहा है, बट मैं इसको खोल के ही दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये साड़ी है मेरी। और ये इसका आँचल ये है आँचल, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरे पे भी अच्छी लगती है। इसको जब पूजा हो जाएगा, टाइम का फंक्शन होता है, तो मैं ऐसे वियर करती हूँ। और ये देखिए इसका इस तरीके से है कुछ लुक, ठीक है। तो कैसी लगी भैया ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ये आपकी रिक्वेस्ट थी कि आप अपनी साड़ी कलेक्शन दिखाइए। तो ये देखिए सुंदर साड़ी है, ये देखिए एक बार मैं पल्लू करके भी दिखा देती हूँ, इस तरीके से इसका लुक आता है। और जब मैं वियर करती हूँ तो मुझे ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करके रहना पड़ता है। ये देखिए अच्छा लगता है, ठीक है। ये है फर्स्ट नंबर की साड़ी, और येलो है, काफ़ी खूबसूरत साड़ी है और लाइट वेट है। और इसका ये ब्लाउज है बहुत सिंपल, क्योंकि मैं वेयर नहीं करती तो मैं कोई डिजाइन विजाइन नहीं डालती हूँ। ये है सेकंड साड़ी, ये भी काफ़ी अच्छी है और सुंदर भी है। ये देखिए ये ग्रे कलर की साड़ी है, और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस तरीके से ये इसका लुक आता है। और इसका जो पूरा जो पैटर्न है एक ही तरीके से, तो इसको खोल के नहीं दिखाऊंगी, पल्लू पे भी यही पैटर्न आता है। देखिए साड़ी अच्छी है ये भी। और ये देखिए मेरी सेकंड साड़ी है, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक एक करके खोल के दिखा दूंगी, बट ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, ठीक है। और ये भी साड़ी बहुत सुंदर है। चलिए ये सेकंड साड़ी हुई, अब गिनते रहिए मेरे पास साड़ी कितनी है। ये है तीसरी साड़ी, ये थोड़ी हैवी है और ये पार्टी वियर टाइप की साड़ी है, ये देखिए। और इसका लुक भी अच्छा आता है, इसके नीचे जो आती है ना नीचे, ये जैसे नीचे पैरों पे ही आता है, और यही मेरे इस साइड भी ऐसी जाएगा, और ऐसी करके ये बॉर्डर है इसका। सॉरी मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, क्योंकि साड़ी में ज़्यादा वियर नहीं करती हूँ, सॉरी अब करना स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से ये साड़ी है, चलिए खोल ही देती हूँ मैं साड़ी। ये भी बहुत सुंदर है, इस तरीके से आती है, बहुत लाइट वेट है और बहुत प्यारी लगती है, मुझे अच्छी लगती है। मेरी जो भी लिमिटेड साड़ियाँ हैं सारी मेरी खूबसूरत है, और आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी तो ये फ़िलहाल इनकी रिक्वेस्ट आई है, देखिए बहुत प्यारी साड़ी है, ये ऐसे जाती है। ये मेरी थर्ड साड़ी हुई,
एक मेरे पास ये मेरी मतलब लाइट पिंक कलर की थी, एक ग्रे कलर की, एक येलो, और ये है बैंगनी कलर की साड़ी। ये भी साड़ी बहुत खूबसूरत है, ये नीचे का पैटर्न है इसका, ये देखिए, ये साड़ी भी अच्छी लगती है मुझे। इसका फ्रंट, इसका जो पल्ला है, ये देखिए, हाँ ये ना आपको उल्टा लग रहा होगा क्योंकि मेरा फ्रंट कैमरा है ना, इस तरीके से आएगी साड़ी, देखिए खूबसूरत लगती है। अच्छी है सारी साड़ियाँ मेरे पास, जो भी लिमिटेड कलेक्शन है बट अच्छी है। एक साड़ी मेरे पास ये है, ये भी बहुत प्यारी लगती है। आरो आप नीचे रहो, नीचे, इस तरीके से आती है, देखिए बहुत खूबसूरत लगती है ये वाली भी साड़ी। ये सारे पल्ले वल्ले पे सब ऐसी है तो मैं इसको खोल के नहीं दिखाऊंगी, और आरो अभी आ चुके हैं तो मुझे फटाफट सारी साड़ी को साइड करना भी पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा कर देंगे अच्छे से। देखिए ये है, और ये शायद फाइव नंबर की साड़ी है। और जो मेरे पास पर्पल कलर का इसका ब्लाउज, थोड़ा मैंने ऐसे इस तरीके से डिजाइन वाला बना रखा था, ठीक है। आराम, नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ मम्मी के पास, बैठ जाओ मम्मी। हाँ मम्मी, हाँ एक मेरे पास ये साड़ी है, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत, हाँ बता, ये लाइट वेट की है और ये जैसे डेली डेली मतलब डेली पहन भी सकते हैं, और बिल्कुल हल्की है और सुंदर भी बहुत लगती है। आ गए हैं आराम, मेरे को दिखाने नहीं देंगे, नहीं चलो साइड रख दो, अभी नीचे बैठ जाओ, अभी आना थोड़ी देर में। देखिए इस तरीके से ये साड़ी बहुत सुंदर है, नीचे का पैटर्न ये है और लाइट वेट है, बहुत अच्छी लगती है। मेरी जो भी साड़ियाँ वो सुंदर सुंदर है मुझे पता है, बट मैं पहनती नहीं हूँ। हाँ बेटा, ये है 6 नंबर की साड़ी। अब मेरे पास ज्यादा साड़ियाँ नहीं है। हाँ बेटा, एक साड़ी है बहुत सुंदर है मेरे पास, अभी मैंने इसका ब्लाउज स्टिचिंग नहीं करा रखा है, हाँ जब करा लूंगी तो ये मैं पहन के जरूर दिखाऊंगी। साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी है, और इसका जो है ना ये पल्लू पे इस तरीके से कुछ आएगा, और पैटर्न यही है इस साड़ी का, और ये भी देखने में काफी सुंदर है, कलर भी इसका बहुत सुंदर है। तो ये देखिए, ये है मेरे पास, और ये है मेरे पास, ये 7 नंबर की साड़ी थी, और ये लास्ट है। और एक मेरे पास ये साड़ी है जो काफी हैवी भी है, और ये मैंने अपने शादी के टाइम पे भी पहनी थी, ये देखिए कुछ इस तरीके से है ये रेड कलर की, और ये साड़ी दुल्हन टाइप की है, मेरी साड़ी शादी के टाइम की है साड़ी ये। तो सारी साड़ियाँ मैंने दिखा दी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें आप लोग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती मैं और अच्छे से दिखाती, बट अभी क्या करूँ, ये मेरा बेटा आ गया है और बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, और मेरा ट्राइपॉड पहले से ही टूटा पड़ा है, अगर इसने एक हाथ भी मारा तो मेरा फोन नीचे जाएगा, बेड के नीचे जाएगा। बेटा चलो रुको, ठीक है। और ये देखिए, ये जो ये है ना, ये इसी तरीके से ये पल्लू पे भी आती है, तो मैं दिखा दे रही हूँ, आरो बैठ जाओ, ठीक है, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और साड़ी कैसी लगी मेरी साड़ी, जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगर आप चाहते हैं मैं वेयर करके दिखाऊं तो कमेंट में लिख सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट टाइम जो ये साड़ियाँ लेकर आऊँगी तो मैं वेयर करके भी दिखाऊंगी, और जो साड़ी आपको अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी चॉइस कैसी है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।